जी कल हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। एक्सेलरेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। एक्सेलरेशन के टॉपिक में बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन इसकी है कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जब भी चेंज आती है तो हम कहते हैं कि बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है डायरेक्शन। तो यहाँ पे आया है चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है कि या तो चेंज इन मैग्नीट्यूड या फिर चेंज इन डायरेक्शन। तो किसी एक में भी जब चेंज आ जाएगा, चाहे वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए, चाहे वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ जाए, तो हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड ही चेंज हो तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। ये आप डेफिनेशन को मत भूलें, डेफिनेशन में चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी को भी मत भूलें कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर दो चीज़ें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो लिहाजा मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई एक भी चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। ये वी एफ माइनस वी आई जो है ये चेंज इन वेलोसिटी है। ये चेंज याद रखें, आपको कहीं पे भी जब चेंज फाइंड करना पड़ेगा तो चेंज का मतलब होता है कि हमेशा फाइनल चीज़ को पहले रखते हैं और इनिशियल चीज़ को बाद में रखते हैं, तो हमारे पास चेंज आ जाता है। फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, जब भी आप फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू करते हैं तो आप कहते हैं चेंज। वो मोमेंटम में भी चेंज हो सकता है, हीट में भी चेंज हो सकता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, किसी चीज़ में भी चेंज फाइंड आउट किया जा सकता है। तो फाइनल वैल्यू को हमेशा पहले रखना होता है और इनिशियल वैल्यू को बाद में रखना होता है, इस तरीके से आप चेंज फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो एक्सेलरेशन का भी आपको पता हो जाएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर स्क्वायर सेकंड। यहाँ पे मेंशन है ये इसका यूनिट दिया हुआ है मीटर पर सेकंड या मीटर पर स्क्वायर सेकंड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब भी कोई बॉडी इक्वली चेंज हो रही होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी आपने टाइम इंटरवल सपोज 1 सेकंड फिक्स कर दिया। अब आप देखते हैं हर सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है, यानी टाइम का इंटरवल आपने फिक्स किया हुआ है 1 सेकंड, और जो वेलोसिटी चेंज हो रही है हर सेकंड में वो 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो भी इक्वली चेंज हो रही है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन मौजूद है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यहाँ पे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन साइड पे, एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यानी अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बिल्कुल वही डायरेक्शन होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। लेकिन अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है तो फिर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की अपोजिट होगी। इसके अलावा एक और बात याद रखें कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के साइन सेम है, दोनों के सेम साइन है, यानी दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव आता है और एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव आता है, या उल्ट कर लें, वेलोसिटी का साइन नेगेटिव आता है और एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन है। यानी सेम साइन है दोनों के, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के सेम साइन आते हैं, तो समझ जाएं कि बॉडी जो है वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रही है और दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की सेम डायरेक्शन है। लेकिन अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के अपोजिट साइन आ रहे हैं आपके पास, तो फिर समझ जाएं कि बॉडी जो है वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। यहाँ पे पीछे टॉपिक जो है वो स्किप हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी हम चुके पीछे पढ़ चुके थे कि जब आपको बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो आप उसे यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर उसकी जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है वो सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो हम कहते हैं इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सिमिलरली अगर यूनिफॉर्म स्पीड का है तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर दें डिस्टेंस से, यानी अगर एक पार्टिकल सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम कहेंगे कि उस बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। तो हम यहाँ स्पेसिफिकली वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो ये जो पैराट्रूपर्स होते हैं, पैराशूटर जो ऊपर से फॉल कर रहे होते हैं, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहे होते हैं और उस वेलोसिटी को कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। बाकी एफएसी में आपने इसको अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। ये टर्मिनल वेलोसिटी कब होती है? जब ग्रेविटी की फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल हो जाती है ड्रैग फोर्स के, जो एयर रेजिस्टेंस होती है, एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लग रही होती है, एफ डी जो है वो ऊपर की तरफ लग रही होती है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है एफ जी वो नीचे की तरफ लग रही होती है। तो जब दोनों आपस में इक्वल हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाते हैं, तो उस वक्त बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे मूव करना शुरू कर देता है, जिसे आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ये लिडार गन के बारे में एक पॉइंट है, ये भी आप देख रहे हैं लिडार गन। ये मोटरवे के ऊपर या हाईवे के ऊपर एक डिटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट होता है जो गाड़ियों की स्पीड को डिटेक्ट कर रहा होता है, स्पीड देखता है। इसे लेजर लाइट एमिट होती है, ये जो इसमें लिडार में एल है ये लेजर के लिए है, लेजर लाइट एमिट होती है जो कि उस बॉडी से टकरा के वापस आती है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आती है उसके हिसाब से फिर इसमें कैलिब्रेशन करके देख लिया जाता है कि जो बॉडी सामने से आ रही है वो इतनी स्पीड के साथ आ रही है। ये एक एग्जाम्पल है, एक साइकिलिस्ट है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, हाफ राउंड सर्कुलर ट्रैक है और उसका रेडियस है 318 मीटर, और वो डिस्टेंस कवर करता है, ये हाफ डिस्टेंस जो है वो कवर करता है यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 1.5 मिनट लेता है। तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो स्पीड चूंकि इसमें आप देखते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपका ये है जो एक्चुअल मोशन उसका पाथ है, ये वाला आपका सारा डिस्टेंस है, और वेलोसिटी में आप यहाँ पे लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्टेंस की जगह आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आपके इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का डायरेक्ट पाथ।
ये डायरेक्ट पाथ आपको नजर आ रहा है, ये टू आर मान लें यानी ट्वाइस द रेडियस, तो रेडियस आपको गिवन है यहाँ पे, तो ट्वाइस द रेडियस आ जाएगा टू आर। और जब डिस्टेंस की बात होगी तो डिस्टेंस में आप ये देखें तो ये हाफ सर्कमफेरेंस है, हाफ सर्कमफेरेंस, मुकम्मल सर्कमफेरेंस होता है सी टू पाई आर, तो जब हाफ सर्कमफेरेंस होगा तो वो हो जाएगा हाफ सी एच, मैं लिख देता हूँ हाफ सर्कमफेरेंस वो हो जाएगा पाई आर, तो लिहाजा डिस्टेंस आप लिखेंगे पाई आर और डिस्प्लेसमेंट में आप लिखेंगे टू आर। तो ये थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस था, बाकी यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर बॉडी में पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, पैरेलल डायरेक्शन होगी। और अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो फिर हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, और हम ये भी कहेंगे कि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो अपोजिट है, उससे एंटी पैरेलल है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो और नाम, ये एक डीसेलरेशन है और एक रिटार्डेशन है। यहाँ पे न्यूमेरिकली मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अक्सर न्यूमेरिकल में कहा जाता है कि एक बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कि बॉडी ने रेस्ट स्टार्ट लिया है और फिर उसने अगले 5 मिनट में 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन कर ली है। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल होंगे जिनमें आपको बताया जाता है कि बॉडी ने रेस्ट स्टार्ट लिया, तो वहाँ पे आप ये मत भूलें कि वहाँ पे जो इब्तदाई वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो आपने जीरो लेनी है और फाइनल वेलोसिटी वो आपको जो भी देगा 60 मीटर पर सेकंड या जो भी देगा वो। और फार्मूला जब आपने पुट करना है इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी लाजमी लेनी है। एवरेज वेलोसिटी कैसे लेते हैं, 0 प्लस 60 करके डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो ये आपका वी एवरेज आ जाएगा और इस तरीके से ये 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी वेलोसिटी। तो ये न्यूमेरिकल में अक्सर आपको धोखा देने के लिए ये किया जाता है, लोग डायरेक्ट 60 पुट कर देते हैं जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये कुछ ग्राफ का आपको पता होना चाहिए कि जब वो बॉडी रेस्ट पे होता है तो उसका जो ग्राफ होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमें बता रही है कि वक्त तो गुजर रहा है, ये देखें 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, लेकिन बॉडी जो है उसका डिस्टेंस अभी तक वही 15 है, क्योंकि 10 और 20 के दरमियान आया हुआ है, तो 10 और 20 के दरमियान मतलब है यहाँ पे 15 है। तो जब वक्त 5 सेकंड था उस वक्त भी इसका डिस्टेंस 15 है, जब वक्त 10 सेकंड हुआ फिर भी डिस्टेंस 15 है, जब वक्त 15 सेकंड हुआ फिर भी डिस्टेंस 15 है। इसका मतलब ये है कि वक्त तो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस वही है। तो वक्त गुजरने से अगर डिस्टेंस वही है, इसका मतलब यह है कि बॉडी रेस्ट पे रुका हुआ है। लेकिन अगर आपको इस तरह का ग्राफ मिलता है जो कि एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है, इसका जीरो एंगल है, ये भी आप देख सकते हैं, एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल वो थीटा है वो कितना है, जीरो है। तो दो तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, या यूं कहा जा सकता है कि उस ग्राफ का जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा जो है वो जीरो बन रहा है, तो एक ही बात है। अब यहाँ पे ये है कि आपका जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो एंगल बना रहा है, कुछ एंगल थीटा कुछ एंगल बना रहा है, जीरो नहीं है वो एंगल, 5 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री, 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है वो मोशन में है। इसके अलावा एक और बात हमें याद रखनी है कि ये अगर डिस्प्लेसमेंट है और इधर टाइम आपने लिया होगा और कोई ग्राफ आपका इस तरह बनता है, ये ग्राफ आपका बना, तो जब आप इस ग्राफ के एरिया फाइंड करेंगे, एरिया का मतलब है कि आपका ये ग्राफ है तो इसका ये एरिया सारा आ रहा है, तो ये जब एरिया फाइंड करते हैं तो किसी भी ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको क्या बता रहा होता है, वो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ये जो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वैल्यूज ली होती है तो आपने डी और टी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जब आपने इनकी स्लोप लेनी होती है, स्लोप जब आपने इनकी स्लोप लेनी होती है तो आपने दोनों को डिवाइड करना होता है, वाई क्वांटिटी को ऊपर रखना होता है और टाइम सॉरी एक्स क्वांटिटी को आपने नीचे रखना होता है। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का जब आप स्लोप लेते हैं तो ये जो स्लोप आपके पास आई है ये इस फार्मूले से हमें पता चल रहा है कि ये तो आपकी स्लोप हमें बता रही है वेलोसिटी, क्योंकि डी ओवर टी जो है ये किसका फार्मूला होता है, ये वेलोसिटी का फार्मूला होता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देती है। सिमिलरली इस चीज़ को हम एक्सटेंड करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए, इधर टाइम है और इधर वेलोसिटी है, तो बॉडी जो है वो इस तरीके से मूव कर रही है। तो इसका जब आप एरिया लेंगे, यानी यहाँ से सीधी लाइन ड्रा करनी होती है नीचे और ये सारा आपका एरिया है, तो ये एरिया जो है ये एरिया आपको बताएगा इन दोनों का प्रोडक्ट यानी वी मल्टीप्लाई बाई टी। और इसकी स्लोप, इसकी स्लोप जब आप लेंगे तो स्लोप में आपने क्या करना होता है, आपने वाई क्वांटिटी को ऊपर रखना होता है और एक्स क्वांटिटी को नीचे रखना होता है, तो इस तरीके से आपको स्लोप आ जाएगी। तो यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया फाइंड करते हैं तो वो आपको मिलता है वी इंटू टी। और ये एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है वी इंटू टी किस इक्वल होता है, ये एस इक्वल होता है, यानी एस इक्वल टू वी इंटू टी, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की का जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो आपको क्या देता है, वो आपको डिस्टेंस कवर्ड देता है या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड देता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है यानी वी ओवर टी, ये अगर गौर करें तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, ये तो एक्सेलरेशन का फार्मूला बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो आपको क्या देती है, वो आपको एक्सेलरेशन देती है। तो ये बातें दोनों याद रखनी आपने कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वी ओवर टी ये आपको क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। तो ये थोड़ा ग्राफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ से हम कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक असाइनमेंट छोटी सी मैं दे रहा हूँ, इस ग्राफ के बारे में आपने मुझे कल बताना है, ये वेलोसिटी, ये टाइम का ग्राफ है और यहाँ पे वेलोसिटी है, तो ये 5 सेकंड ये सेकंड में है, ये 5 सेकंड, ये 10 सेकंड, ये 15 सेकंड, ये 20 सेकंड, और इधर वेलोसिटी ये मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में है। यहाँ पे हम कह रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड और 80 मीटर पर सेकंड, तो ये ग्राफ है।
ये ग्राफ मैंने ड्रा किया है, इसके बारे में आपने मुझे ग्रुप में बताना है कि ये ग्राफ हमें क्या बताता है, ठीक है, ताकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको ग्राफ की कितनी समझ आई है। पहले एक ग्राफ हमने देखा है, वो इस तरह था, डिस्प्लेसमेंट था, इधर टाइम था, और वो ग्राफ इस तरह था इधर, उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। अब ये वर्टिकल लाइन एक बनाई है मैंने, इसके बारे में आपने मुझे बताना है कि ये ग्राफ हमें क्या बताता है। कोई बात नहीं है, इधर तो पढ़ाई के लिए तो ये जरूरी नहीं है, जितनी आसानी से आपने जवाब दिया ना फोर, इतना आसान नहीं है, इसे सोचिएगा जरा। ये एक ग्राफ है, इसको भी आपने बताना है कि ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है। लास्ट टाइम ग्राफ है, और ये रेड जो है ये लाइन है ग्राफ की, ये आपने बताना है कि ये भी क्या शो कर रहा है। तो ये दो ग्राफ हैं जो आपने बताने हैं कि हमें क्या शो कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, बड़ी फेमस तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस एटी, मैं जल्दी जल्दी से स्किप करूंगा क्योंकि ये आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है इनमें कुछ कंडीशन याद रखिएगा। एक पहली कंडीशन ये है कि ये उस वक्त वैलिड है जब आपकी बॉडी जो है वो मूव कर रही है ट्रांसलेटरी मोशन, सॉरी लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में है, और दूसरा बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और तीसरा ये है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो इनर्शियल है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब है कि ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, नो एक्सेलरेशन, आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जिसमें बैठ के आप ये सारी मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर आप एक चारपाई पे बैठ के मेजरमेंट करें तो आपकी चारपाई में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, अगर आप गाड़ी में बैठ के कुछ मेजरमेंट करें तो आपकी गाड़ी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, तो उसको आप कहेंगे कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये याद रखें कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन उस वक्त वैलिड है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो ये तीनों कंडीशन जो है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस एटी, और दूसरी है जी एस इक्वल टू वी आई टी प्लस वन बाई टू एटी स्क्वेयर, और थर्ड वाली जो है वो है वी एफ इक्वल टू थर्ड वाली जो है वो है टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एक और बात याद रखें कि आपने कोई न्यूमेरिकल करना है आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा के कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे। मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, इस टॉपिक से रिलेटेड लाजमी कोई क्वेश्चन आ जाता है, वो यही आता है कि एक हाइट से एक ईंट गिराई गई है, ब्रिक, एक ब्रिक गिराई गई है, ये ब्रिक गिराई गई ऊपर से, और एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा गिराया गया है, ये वुड वुड ब्लॉक है। तो पूछते हैं जी कि जब सेम हाइट से ये दोनों गिराए जाएंगे तो पहले कौन सा नीचे पहुंचेगा। तो लोग कहते हैं कि ईंट पहले पहुंचेगी क्योंकि ईंट भारी होती है और वुड लकड़ी हल्की होती है, तो वो बाद में पहुंचेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, जब भी आप कुछ बुलंदी से दो चीज़ें गिराते हैं, एक लाइटर मैस की होती है, एक हैवी मैस की होती है, तो दोनों ही नीचे सेम टाइम पे पहुंचते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि एयर फ्रिक्शन ना हो, एयर फ्रिक्शन आपने इग्नोर करनी है। एयर फ्रिक्शन को जब इग्नोर करेंगे तब ये दोनों एक वक्त में जमीन पर पहुंचेगी। अगर आपने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं करना, इंक्लूड करना है, तो फिर जो भारी चीज़ होगी वो पहले पहुंचेगी, ब्रेक पहले पहुंचेगी। फिर या दूसरे लफ्जों में टाइम का पूछा जा सकता है, तो टाइम फिर कौन सा काम लेगा, ब्रेक कम टाइम लेगी। और नेक्स्ट इसमें बात याद रखने वाली मुझे है कि जब भी आप कुछ हाइट से चीज़ें नीचे गिराते हैं और एयर फ्रिक्शन को आप इग्नोर करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें एक ही एक्सेलरेशन के साथ नीचे मूव करती हैं, उस एक्सेलरेशन को कहा जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इस कंडीशन को कहा जाता है फ्री फॉल। यानी जब कुछ बॉडीज, जब आप एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं, तो वो बॉडीज एक स्पेसिफिक एक्सेलरेशन के साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरती हैं, उस एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहा जाता है, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, आप आसानी के लिए उसे 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड लिया जाता है। और नेक्स्ट ये याद रखना है कि चाहे बॉडी को आपने यहाँ पे जो चीज़ दी हुई है वो आपने देखनी है कि अगर बॉडी जो है वो नीचे मूव कर रही है तो आपने जी को पॉजिटिव लेना है, और अगर बॉडी जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है तो उसे आपने जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। ये एक्सपेरिमेंट, इससे एक्सपेरिमेंट का जो ताल्लुक है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ सारी की सारी चीज़ें बुलंदी से नीचे आती हैं, तो उसका ताल्लुक है गैलीलियो के साथ। गैलीलियो ने ये सबसे पहले चीज़ फाइंड आउट की थी कि जब आप किसी बुलंदी से कुछ चीज़ें नीचे ड्रॉप करते हैं डिफरेंट मैसेज की, तो वो सारी की सारी एक ही वक्त में पहुंचती है, अब अगरचे बशर्ते कि आप एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करें, ये बार बार मैं कह रहा हूँ। और ये उसने एक्सपेरिमेंट कहाँ से किया था, ये उसने पीसा के जो झुका हुआ मीनार था वहाँ से उसने किया था, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, झुका हुआ पीसा का मीनार। चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 3, अब डायनामिक्स हमारा शुरू हो गया। डायनामिक्स में मैंने कल ही बताया था कि हम ऑब्जेक्ट की मोशन को तो स्टडी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उसकी कॉज को भी स्टडी करते हैं, ठीक है, हम उसकी कॉज को स्टडी करते हैं कि किस वजह से हुआ, और यकीनन जो बॉडी की मोशन होती है वो उसका जो एजेंट होता है वो फोर्स होता है। तो फोर्स की जो डेफिनेशन है, फोर्स यही कहती है कि फोर्स हमेशा किसी बॉडी को या तो टेंड टू मूव यानी मूव करवाने की कोशिश करती है, टेंड टू स्टॉप या रोकने की कोशिश करती है, यानी एक ऐसा एजेंट है जो किसी बॉडी को या तो मूव करवाने की कोशिश करता है या फिर रोकने की कोशिश करता है। और दूसरा ये है जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि जब भी किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है, ये आगे हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस करेंगे।
इनर्शिया क्या है, ये भी गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था इनर्शिया के बारे में। गैलीलियो के हैवी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रोकना मुश्किल होता है और जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रोकना आसान होता है, तो उस चीज़ से उसने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, वो थी इनर्शिया, कि जो बॉडी जितनी हैवी होगी उसको हम कहेंगे कि इसका ज़्यादा इनर्शिया है, और जो बॉडी हल्की होगी लाइटर इन मैस होगी उसे हम कहेंगे कि उसका कम इनर्शिया, क्योंकि उसको मूव करवाना भी आसान है उसको रोकना भी आसान है, लेकिन कोई हैवी मैस की ऑब्जेक्ट है वो अगर मोशन में तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, और अगर वो रेस्ट पे है तो उसको आप मूव करवाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यानी एक तरफ एक कह सकते हैं कि जो मैस है किसी बॉडी का वही असल में पहचान है या मेजरमेंट है इनर्शिया की। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज अ प्रॉपर्टी, इनर्शिया ऑफ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रिजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी कोई बॉडी रेस्ट पे या मोशन में उसके खिलाफ जब आपने कुछ चेंज लाने की कोशिश करनी है तो वो एक्चुअली मेजरमेंट है इनर्शिया की। जितना भी बॉडी को आप आसानी से मूव करवा लेंगे या रोक लेंगे मतलब उसकी इनर्शिया कम है, और अगर आप मुश्किल से मूव करवाएंगे या मुश्किल से रोकेंगे तो मतलब उसकी इनर्शिया इनर्शिया ज्यादा है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहेंगे कि उसका मास उतना ज्यादा है, क्योंकि इनर्शिया और मास एक ही चीज़ है, जितना मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा। तो ये नीचे साथ इसके एग्जाम्पल है, ये आप आदमी देखें, ये इनर्शिया का एग्जाम्पल है। एक कार्डबोर्ड के ऊपर आपने कुछ सिक्का रखा हुआ है, नीचे ग्लास है, आप कार्डबोर्ड को एक फिंगर के साथ फोर्स लगाते हैं तो कार्डबोर्ड आगे चला जाता है, लेकिन चूंकि बॉडी ऊपर रेस्ट पे पड़ा था तो उसकी तो यही ख्वाहिश थी कि मैं तो रेस्ट पे रहूँ, नहीं तो वो सीधा नीचे ग्लास में गिर जाता है। नीचे भी जो एग्जाम्पल है ये डायग्राम, ये भी ऐसे दिखा रहा है कि ये कुछ सिक्के हैं जुड़े हुए हैं रेस्ट पे पड़े हुए हैं और नीचे पेपर पड़ा है तो वो अचानक से पेपर खींच लेता है, तो जो सिक्के होते हैं वो सारे सारे चूंकि रेस्ट पे थे तो जब वो पेपर खींच लेता है तो उसके बाद भी ये सिक्के सारे सारे रेस्ट पे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि इनर्शिया ये कहता है कि जो बॉडी रेस्ट पे है वो हमेशा रेस्ट पे रहना चाहता है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहना चाहता है। मोमेंटम, मोमेंटम जो है ये किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है मोशन की। जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो मोशन में बॉडी की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो जो बॉडी और मोमेंटम दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, मोमेंटम दो चीज़ों, एक मास पे डिपेंड करती है और दूसरा वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, यानी मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। तो अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है लेकिन वेलोसिटी कम है, मास ज़्यादा है लेकिन वेलोसिटी कम है तो फिर भी उसका मोमेंटम ज़्यादा है, लेकिन अगर किसी बॉडी का मास कम है और वेलोसिटी ज़्यादा है तो फिर भी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट लेनी है। आप देखिए मैथ को अगर हम 5 फिक्स कर दें और वेलोसिटी को हम 20 कर दें तो मोमेंटम कितना आएगा 100, लेकिन आप मैथ बढ़ा देते हैं, मैथ को 20 कर देते हैं वेलोसिटी को 5 कर देते हैं तो भी मोमेंटम कितना आता है 100। इसका मतलब यह है कि दो डिफरेंट बॉडीज जिनका मैथ डिफरेंट है वेलोसिटी डिफरेंट है उनका मोमेंटम सेम हो सकता है, ठीक है। यहाँ से हमें ये नतीजा खास किया है कि अगर दो बॉडीज हैं जिनका डिफरेंट मैथ है और डिफरेंट वेलोसिटीज हैं तो उनका मोमेंटम सेम हो सकता है। मोमेंटम जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसका यूनिट जो है वो आप आसानी से बना सकते हैं कि मैथ का यूनिट किलोग्राम है और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो लिहाजा इसका टोटल यूनिट जो बनेगा वो बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बुलेट की बड़ी आसान एग्जांपल दी जाती है, जो बैलून मूव करता है उससे हवा खारिज होती है वो भी मोमेंटम है, ठीक है। इसके अलावा जो रॉकेट मूव करता है गैसेज नीचे एक्सपेल होती है, रॉकेट ऊपर मूव करता है तो वो भी मोमेंटम की उसमें भी एग्जांपल आ जाती है। खैर वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे कि किस तरह उनको वहाँ रिलेट किया जाता है। बुलेट जब आप फायर करते हैं तो गन पीछे की तरफ क्यों मूव करती है, वो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए मूव करती है। सिमिलरली गुब्बारे से जब गैसेज निकलती हैं तो गैसेज हमेशा नीचे की तरफ निकलती हैं और बैलून जो है ऊपर की तरफ मूव करता है तो वो भी मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए ऊपर की तरफ जाता है। गैसेज नीचे होती हैं तो बैलून ऊपर की तरफ उठता है, रॉकेट की भी इसी तरह एग्जांपल है, गैसेज नीचे होती हैं तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन के पहले लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही हमें बताता है कि जब तक किसी बॉडी पे कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी तब तक वो बॉडी जो है उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगी, यानी अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, लेकिन जब उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट करेगी तब उस बॉडी की स्टेट चेंज होगी, यानी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में तो रेस्ट में आ जाएगा। नेट फोर्स क्या होती है, अगर आपके पास एक बॉडी पर डिफरेंट फोर्सेज लग रही हैं तो उनका जो एक कंबाइंड इफेक्ट होता है उसको हम नेट फोर्स कहते हैं। यानी कि ये एक ब्लॉक है, ये कोई वुडन ब्लॉक है, इस पर एक तरफ फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की और इधर को बंदा फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन की, तो बड़ा आसान से आप देख सकते हैं, इंट्यूटिवली देख सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये इधर मूव करना शुरू करेगा, कितनी फोर्स के साथ ये मूव करना शुरू करेगा, जो इफेक्टिव फोर्स होगी नेट फोर्स होगी वो 5 न्यूटन होगी, क्योंकि ये इस तरफ 10 लग रही है और इस तरफ 5 लग रही है, तो 5 न्यूटन का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और पीछे जो इफेक्ट रह जाएगा वो 5 न्यूटन का रह जाएगा, और 5 न्यूटन फोर्स का इफेक्ट होगा राइट साइड पे। तो ये होती है नेट फोर्स, अगर आपके पास डिफरेंट फोर्स लग रही है तो उनका जो फिर इफेक्ट लिया जाता है कंबाइंड इफेक्ट देखा जाता है, ओवरऑल इफेक्ट देखा जाता है, उसे आप नेट फोर्स कहते हैं। नीचे डेफिनेशन लिखिए, बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट अपॉन इट। जब तक किसी बॉडी पे कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी तब तक वो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, लेकिन जैसे ही उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगी फिर उसकी वो स्टेट नहीं रहेगी, वो रेस्ट में था तो अब वो रेस्ट में नहीं रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में था तो अब वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगा, या तो उसकी मोशन स्पीड अप हो जाएगी या उसकी मोशन जो है वो स्पीड डाउन हो जाएगी। जहाँ अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगेगी तो स्पीड अप हो जाएगी और अगर फोर्स जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगेगी तो स्पीड डाउन हो जाएगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यानी एक बॉडी है वो पहले इधर जा रहा है तो पीछे से फोर्स भी आप इधर ही लगाते हैं तो ये बॉडी तो स्पीड अप हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी, और अगर एक बॉडी है वो इधर जा रही है
और आप फोर्स लगाते हैं इधर, तो आप यकीनन ये स्पीड डाउन हो जाएगी। तो बहरहाल नेट फोर्स का रोल है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, जब तक नेट फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक बॉडी रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता रहेगा। ये लिखा है जी कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये लोग जो बस के अंदर खड़े होते हैं और अचानक ब्रेक लगती है तो वो लोग आगे की तरफ गिरते हैं। तो वो क्यों आगे की तरफ गिरते हैं, उसकी वजह यही है कि बॉडी क्योंकि आगे की तरफ मूव कर रही होती है तो उसका जो इनर्शिया वो यही कहता है कि हमें आगे मूव करना चाहिए। तो जब गाड़ी अचानक से रुकती है तो उसका इनर्शिया अलाउ नहीं करता कि हम रुकें, तो लिहाजा वो इनर्शिया पर काबू नहीं रख पाते और वो आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो ये इनर्शिया के एग्जाम्पल, आपका फैन ऑन होता है वो मोशन में होता है, रोटेटरी मोशन कर रहा होता है, आप जब स्विच ऑफ कर देते हैं उस पर फोर्स तो खत्म हो जाती है लेकिन उसका इनर्शिया कहता है कि नहीं भाई चल रहे हो तो चलने दो, फिर उस पर एयर फ्रिक्शन और ग्रेविटी की फोर्स और फिर इस तरह की जो चीज़ें वैक्ट करती हैं और ऐसा आपका फैन रुक जाता है। आप कोई बाल फेंकते हैं ज़मीन पर तो वो भी थोड़ी देर दूर जाके रुक जाती है, उसका इनर्शिया तो ये कहता है कि चलते रहना चाहिए लेकिन जो एयर रेजिस्टेंस होती है या ग्रास फ्रिक्शन होती है या आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये सारी चीज़ें जो है उस पर ओवरकम करती हैं और एट द एंड एवेंचुअली वो स्टॉप हो जाते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ मोशन ये कहता है कि जब भी आप किसी बॉडी पे कोई नेट फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, यानी जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जितनी कम फोर्स होगी उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और दूसरी जो चीज़ है जिस पर वो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वो मैस है, तो मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी मैस अगर बॉडी का ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा और अगर मैस कम है बॉडी का तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम, और इस तरीके से आपका जो फार्मूला डेवलप होगा वो होगा एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया के और उसकी वैल्यू सेट किया है वन। तो फोर्स का जो यूनिट आता है वो न्यूटन आता है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये न्यूटन किसके इक्वल है, फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन आ रहा है, और न्यूटन किसके इक्वल है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, अब एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर स्क्वेयर सेकंड, इसका मतलब है कि न्यूटन जो है वो इक्वल आता है किलोग्राम मीटर पर स्क्वेयर सेकंड। यहाँ पे मेंशन किया है न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वेयर सेकंड के इक्वल आ रहा है। अब एक न्यूटन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि एक न्यूटन से क्या मुराद है, एक न्यूटन से मुराद ये है कि अगर आप किसी बॉडी पे एक न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कितना, 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अगर उस बॉडी का मैस 1 kg होगा, तो यानी कैसा है बॉडी जिसका मैस 1 kg है तो उसके अंदर अगर 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो आप समझ जाए कि उसके ऊपर आपने कितनी फोर्स अप्लाई की हुई है, 1 न्यूटन अप्लाई की हुई है। न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन ये कहता है कि फोर्सेज हमेशा पेयर में एक्ट करती हैं, याद रखें फोर्सेज हमेशा पेयर में एक्ट करती हैं, कोई भी फोर्स सिंगल नहीं आप लगा सकते, फोर्सेज हमेशा पेयर में होती हैं और वो आपस में हमेशा इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होती हैं डायरेक्शन में। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है कि फोर्सेज हमेशा पेयर में होती हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं। तो ये जो बैलून ऊपर उठता है इसमें जो गैस है वो नीचे की तरफ फोर्स एक्ट करती है, बैलून ऊपर उठता है, रॉकेट के लिए एग्जांपल है गैस नीचे होती है रॉकेट ऊपर उठता है,